गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग अभी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और ब्रूनो भी हमारे साथ मॉर्निंग वॉक कर रहा है। देखो अभी नहीं कर रहा, ये देखो 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 करेगा करेगा। अब तो ना हमारे लिए तो यहाँ पर ना ठंड होना स्टार्ट हो गई है ना। जैकेट पहन लिया मैंने तो। हाँ, मैंने भी अपनी कार्डिगन निकाल ली है क्योंकि रात को बारिश लगी है। अब ठंड हो गई है वैसे भी यहाँ पे, अब हाइट में ठंड हो ही जाती है। और यहाँ पे देखो हमारे फ्लैट फिर से लग गए दोबारा से, पिंको पिंको। देखो पानी पानी है भी। ये भी तो प्यारा था ये वाला। हाँ। गुलदस्ता टाइप आ गया फिर से आ गया। अभी हम लोग जो है हम पहुंचे अपने बगीचे में। सो हमने सोचा कि चलो देखते हैं, क्योंकि हमारे जैसे कुछ कुछ सेब है जो तोड़ने के लिए आते हैं। सो अभी हम आए हुए एक अपने बगीचे में, तो यहाँ पर जो है सेब काफ़ी ज़्यादा हो गया रेड, और ये ना एक नेचुरल कलर आया हुआ। इसमें ये नहीं है कि कलर स्प्रे डाली हुई है कुछ भी। तो अनुज का था कि यहाँ पे हमने जो है जैविक खाद डाली हुई है मैक्सिमम। सो अनुज का था कि चल नीचे चलते हैं खेत में, सो वहाँ पे देखते हैं कि कब ये तोड़ने के लिए आने वाले। तो कुछ दिन के बाद अब इनको हम तोड़ देंगे। और इतने सुंदर सुंदर, मतलब इसका जो कलर है ना बहुत ज़्यादा सुंदर आया हुआ है। और अभी जो है अब मशीन भी हमारी जो है चल पड़ी है। सो अभी हम जाएंगे मशीन पे, वहाँ पे भी जो है सेब आना स्टार्ट हो गए हैं और ग्रेडिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी इतने पूरे में तो कहाँ ही घूमना, बस मैं तो यहीं से ही देख रही हूँ सारे कि काफ़ी अच्छा कलर आ गया हमारे पास। सो ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये एक नेचुरल कलर आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आया है। और ठीक है, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा है वह। और इससे ऊपर वाला भी है बगीचा, बट वहाँ पे अभी जाने की हिम्मत नहीं है। यहाँ को है, नीचे को है, बट हम इसी खेत में पहुँचे अभी फ़िलहाल। अनुज भी थक गए, सुबह से बहुत काम था इनको, स्प्रे सुप्रे करने को थी, सो उस वजह से भी थक गए। फिर कह रहे मुझे यहीं से देख ले अब सारे। मैंने कहा ओके, बट सब में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आ गया है। और ये आप ऊपर वाला बगीचा भी देख सकते हो, इसमें भी खूब बढ़िया सा कलर दिख रहा है यहीं से ही। सो एंड थोड़े से मुझे ये थोड़े से हरे लग रहे हैं, हल्का बहुत, बट जब तक हम इनको तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तब तक इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आने वाला है। और वो देखो आप, मैं सबसे पहले मैं जिवाई ना मेरी नज़र पड़ी उसमें, छोटा सा पेड़ है और लदा हुआ, देखो आप क्या लदा हुआ है। सो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और जो हमारा ये वाला बगीचा है इसमें ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं है, मतलब एक नॉर्मल पेड़ है। हाँ, इसमें जो है दो इतने सालों से जो है एप्पल लगना स्टार्ट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट ठीक है। हाँ, और ये देखो नीचे वाला, ये भी ठीक आया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम मशीन पे आए हैं थोड़ा वहाँ पे देखने, यहाँ पे हमारे पैकिंग चली है और वहाँ पे सेब वगैरह पैक हो रहा है। ये कुछ पेटियाँ पैक हो गई है। क्या करें आप, कुर्सी लगा के बैठे हो। सो मैं थोड़ा सा बोर भी हो रही थी एंड मैं लगी थी कैंडी क्रश खेलने। आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हुई है, पता नहीं क्यों, और इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा खेलने लग गई हूँ। अभी मैंने जस्ट कल या परसों, मतलब एक दो दिन में डाउनलोड करके, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है खेल के। एंड यहाँ पर लगे हुए हैं एप्पल भरने, और बस अब शाम होने को आई है, अब मुझे और अनुज को भी जाना है घर को। एंड ये लोग लगे हुए अभी, तो अभी यहाँ पे पैकिंग हो रही है। और ये शंभू है, शंभू ये ठेकेदार है। सो हम पहुँचे हुए अभी मशीन के पास, और वहाँ पे थोड़े से एप्पल थे अनुज को ग्रेड करने को। तो अनुज ने कहा कि अभी जो पैकर है वो अपने काम में लगे हुए। अनुज ने कहा कि मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़े बहुत ग्रेड करना, सो मैं मशीन ऑन करूँगी। ओहो तीनों ना, तो ये मैंने ऑन किया गाइस, मैंने। तो यहाँ पे देखो ये रिचर्ड, ये जो एप्पल है ये रिचर्ड, और हमारे वहाँ पर जो घर है वो है टायर रेड गोल्डन में। टायर मैन ही निकलते क्योंकि हमारे टायर मैन होते हैं ना, इसलिए ज़्यादा तो मेरे वो ही निकलते हैं।
और अभी इनका कलर देखो इसके बाद, और ये है पूरा मशीन का प्रोसेस, चमक चमक के जाएंगे अब ये, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे, फिर मैं निकालूंगी इनको। कहाँ से जाऊँ, इतनी पतली झड़ी हूँ। So guys, ये फैन ऑन क्यों किया बेफजूली, जब तो अभी गिले से भी नहीं है। यहाँ से आने वाले अब एक दाना आएगा शायद से, कहाँ गया वो मुझे लगा। सो यहाँ से आएगा, अगर जो आपके गिले एप्पल है ना तो वो यहाँ से सूख के आएंगे, एंड देन यहाँ और यहाँ पे पहुँच के पहुँच के कितना चमक गया दाना, और यहाँ से आएंगे एप्पल। 310 तो सेपरेटर है ना, वो ये देखो एप्पल आया, सेपरेटर आया, वो देखो देखो ये आया, ये भी आया, ये देखो ये नहीं आएगा, ये आया, और ये यहाँ से आएगा 200 में से, ये आया 175 एक्सप्रेस मॉल होता है ये। और अब मैं इनको निकालूं कि आज आने दो और, तो अब मैं गाइस इनको निकालती हूँ। ये लाइन वाइज रखी है ना, तो अभी क्यों कर रहे हो पर आप इनको ग्रेड, अभी गलती कर रहे हो आप इनको ग्रेड करके अभी तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मतलब ऊपर जो है हमारे नेपाली है, सो उन लोगों को जो है थोड़ी बहुत क्रेट्स की कमी पड़ गई थी 40-50 करेट की, सो हम ऊपर लगे हुए, तो यहाँ पर हमने कहा कि चलो थोड़ी सी उन्होंने भर भी दी है ऊपर जो, तो अभी अनुज भरी हुई करेटें आ रही है और खाली करेटें हम उनको ऊपर भेज रहे हैं। वैसे अभी भरी हुई हमने मतलब नीचे लानी नहीं थी क्योंकि हमारा था कि शाम को ही करेंगे, बट उनको जो है खाली करेटों की थोड़ी सी कमी हो गई है, सो अनुज ने कहा कि चलो मैं खुद उतार दूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी जितने भी नेपाली वो सारे ऊपर ही है, सो मैं खुद उतार देता हूँ एंड यहाँ से जो है खाली करेट के लिए। अब एक तो उस सबसे ऊपर वाला जो बगीचा है वहाँ पर है वो, तो कहाँ आएंगे, सो यहीं से उनको खाली करेट भेज रहे हैं एंड भरी हुई खुद ही उतार रहे। अब मैं जाऊँ इसमें ऊपर, जा सकते वैसे अनुज? हार्ट अटैक आएगा। देखना अब उन्होंने डाल ली भी कि नहीं ऊपर, ये सिग्नल मिल जाएगी चलाओ। अच्छा, आपने इसकी वो क्यों नहीं लगाई वो साइड का? अच्छा हाँ सिग्नल, अच्छा उसको ठीक आता है, पहले वो लोड वाली में लगा रहे थे है ना, है ना? अभी हमें ना कुछ दिन पहले यहाँ ऊपर दिक्कत भी आई थी क्योंकि पेड़ था ना उसकी चोटी ही मतलब स्पैन के साथ आ गई थी बिल्कुल नीचे, और मैं ऊपर से देख रही थी, मुझे तो डर ही लग रहा था कि वो बिल्कुल ऐसे फंस के आ गया था। ये देखो आज जो है हाँ से मतलब मैं दिन को आई थी अनुज के लिए लंच लेके, एंड तब से लेकर अभी तक हम यहीं पे बैठे हुए हैं, एंड उस टाइम लगे हुए थे अनुज लगे हुए थे स्पैन चलाने, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी अंदर पैकिंग, हमने तो क्या मतलब पैकरों ने पैकिंग वगैरह की एंड हम लोग आराम से बैठे हुए थे। और अभी क्या हुआ, अभी जो है अभी लगे हुए हैं पापा स्पैन चलाने और मैं बैठी हूँ, बस अब थोड़ी देर बाद मैं घर चली जाऊँगी एंड आपको दिखाती हूँ। और हमारे साथ जोई भी पहुँची हुई वहाँ, देखो जो बैठी हुई है जोई है, हाँ घर
घर पहुंच गई हूँ और आज जैसे कि हमारे फंक्शन होता है सो उसके लिए जो है हम लोगों ने चिड़ा भी बनाया बाहर, उसको अच्छे से डेकोरेट भी किया है सो उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड अभी जो है अभी जो है हमारे जो ट्रेडिशनल पकवान होते हैं वो बनने हैं सो उसके लिए मैंने तेल लगा दिया है। अब फटाफट से इनको बनाते हैं। सो ये जो है तेल की कढ़ाई लग गई है तो फटाफट से हम बनाएंगे पहले पूरी। तो ये जो है आज पोल्डू लग रहे हैं अभी क्योंकि जो हमने कीड़ा महाराज जी बनाए होते हैं उनको मतलब पूजा जाता है तो उनके लिए बड़े पोल्डू लगने हैं। सो अभी जो है मैंने सोचा पहले मैं फटाफट से पोल्डू बना लेती हूँ। सो अभी जो है ये बन रहे हैं। हमारा जो पोल्डू बन के हो गया रेडी और अभी जो है पूजा के लिए ये पापा ने इसमें जो है गुड़ और घी डाल दिया है और यहाँ पे धूप जल गई है और यहाँ पे मम्मी लगे हुए हैं जो है बड़े की तैयारी करने। अभी बड़े बनने ये हो ही गए हैं, इनको अच्छे से मिलाना होता है। सो अब नमक डालेंगे। सो अब और बाहर लग गई है बहुत तेज बारिश। और यहाँ देखो ब्रूनी भी आ गया है। और ये आप देख सकते हो रात को इतनी तेज बारिश आ गई है ना अब तो। ओहो हो 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 और ये मम्मी ने डेकोरेट किया हुआ है हमारा चिड़ा। अब इन चिड़ा महाराज की जो है पूजा होती है। अब जो है चिड़ा महाराज जी के पास यहाँ पे खीरा कट होगा। और यहाँ पे अभी आग भी जलती है बट बाहर जो है बहुत आप सुन सकते हो कि क्या तेज बारिश लग रही है और हवा भी चल रही है सो अभी आग जलना तो काफी मुश्किल लग रहा है। ये भी डर के मारे ऊपर भाग गया। और जो कड़कदार बिजली कड़क रही है ना जलनी भी नहीं वो। और बड़ी मुश्किल से हमारे पास आग जल गई है क्योंकि बहुत तेज हवा लग रही है, बारिश लग रही है तो बड़ा टफ हो रहा था जलना। तो ये देखो ये महाराज जी के जैसे बनाए हुए, तो इसके ऊपर हमने एक पत्थर रखा हुआ है और यहाँ पर अब इसको लगाएंगे। और इसमें क्या कहते हैं, अगर कोई आपके अपोजिट किसी का घर है तो आप उसको बोल भी सकते हो। चलो भाई घड़ी तो जल गया।
और इतनी तेज़ फॉग आ रही है, और अभी अनुज घर नहीं पहुँचे, वो वहाँ पे नीचे जो घर दिख रहा है ना, आई थिंक हल्की सी लाइट वहाँ दिख रही है, वो वहाँ पर है अभी आंटी के घर, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में तो आना पॉसिबल है। रहने तो थोड़ी तो जल गई थी, क्या करना। सो अब हम चले अंदर को, चलो चलो रुनू। सो ये देखो, ये बन गए हैं बड़े, और अब इनको हम करेंगे सबसे फर्स्ट में टेस्ट। चलो टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत अच्छे बने हैं मम्मी, बहुत बढ़िया। पोल्लू खाते हैं। सो शाम को तो ना बहुत ज़्यादा बारिश लगी, और हम लोग जैसे आपने देखा है कि ना जो चिड़ा पूजते हुए ना, मतलब आग ही नहीं जल रही थी, क्योंकि ऐसे चिड़ा मार्च में हमें मतलब आग जलानी होती है, तो आग जलनी ही मतलब बड़ी मुश्किल से वहाँ से मतलब पापा से आग जली, और अनुज भी, अनुज ने आना था जैसे ना, तो इतनी तेज़ बारिश हुई, बड़ी मुश्किल से अनुज घर पहुँचे, जब थोड़ा सा मौसम रुका तो अनुज आंटी का छाता लेके घर आ गए थे। सो काफ़ी लेट पहुँचे अनुज, आई थिंक 10 बजे के करीब। सो ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।